दिवस मना रही है, क्योंकि इस देश में जो अलोकतांत्रिक सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करते तो हैं लेकिन किसी के मन की बात नहीं सुनते। कोरोना को देखा आप लोगों ने, किस तरह कोरोना पे अंकुश लगाने के लिए ताली बजाओ थाली बजाओ कर दिया है नहीं। आज भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ये हाईवे पर हम लोगों ने सड़क के किनारे गाड़ियों के साथ पैदल एक प्रदर्शन किया है, गैस सिलेंडर के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश की जनता के साथ साथ इस देश की सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जनता और किसान का की कमर टूट चुकी है महंगाई से। डीजल पेट्रोल का वो भाव हो चुका है कि आम आदमी अब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने लग गया है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हमको तो लगता है कि इस देश की सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों को इसलिए महंगा कर रही है क्योंकि इन्हें कोरोना का गाइडलाइन पालन कराना है। ठीक है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, पूरी तरह से देश की जनता को लूटने वाली सरकार इस समय केंद्र में और प्रदेश में चल रही है। हम इस आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से, हम महामहिम राष्ट्रपति जी से तो यह बात पहुँचाना चाहते हैं कि महंगाई पर अंकुश लगना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही किसान आंदोलन आप लोग देख ही रहे हैं, 8-8 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। देश की अलोकतांत्रिक सरकार, गूंगी और बहरी सरकार जो दबैया मार के बैठी हुई है, किसानों की बात नहीं सुन रही है, किसान की खेती को बेच देना चाहती है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, जनता का पेट भरने के लिए एक इनके द्वारा यो चलाया गया कि 5 किलो गेहूं दे दो, 2 किलो चावल दे दो और 4 महीने में 2000 रुपए दे दो, इससे जनता का पेट भर जाएगा। इससे जनता का पेट भरने वाला नहीं है। हम आपके माध्यम से इस देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि अब हद हो गई है, अभी वक्त है, आप सुधर जाओ, वरना ये जनता सिर्फ आंदोलन नहीं करेगी, समय आने पर निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होगा और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी को भुगतना ही पड़ेगा। जय हिंद। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज इकोना तहसील के पास सड़क किनारे किया जमकर विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके का एक पूरा मामला है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल और गैस के दाम को लेकर, सिलेंडर को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों के हॉर्न बजाकर प्रदर्शन किया, साथ ही इकोना तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना इलाके के तहसील के पास की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला, तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा, विद्या यादव, लालता यादव, ब्रजेश यादव समेत भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी की मौजूदगी दिखाई पड़ी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना कस्बे के तहसील के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कैसे गिफ्ट ले रहे हैं।